स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग्स डे सेल आ गई है और 27,500 में आपको नथिंग का फोन 1 इस सेल में देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन नथिंग की तरफ से एक अच्छी और इंटरेस्टिंग डील हमें देखने को मिल जाती है। अब इस प्राइस पे जनरली जो कॉम्पिटिशन है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। आईक्यू भी इस रेंज में आ गया है, सैमसंग के भी कुछ स्मार्टफोन है, इसी के साथ ही वीवो और वन प्लस भी इस प्राइस कैटेगरी में टक्कर कर रहे हैं। तो क्या अभी के टाइम में 27,500 में ये जो नथिंग का फोन 1 इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट आपको मिलेगा, वर्थ इट रहेगा या नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अब गाइस देखिए, जब नथिंग का फोन 1 लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी, 32-35 हज़ार के आसपास ये स्मार्टफोन था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट बिग सेविंग्स डे सेल पे ये आपको 27,749 रुपीज में इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि वर्थिट है या नहीं, बिकॉज यहां पर जो इसका बैक डिजाइन है वो सबसे ज्यादा यूनिक हमें देखने को मिल जाता है और इंडस्ट्री फर्स्ट ये चीज थी। इस तरह की जो ग्लिफ लाइटिंग का इंटरफेस है वो नथिंग ने अपने फोन में लेकर आया हुआ था। अब आपको कॉल आएगी, आपको एसएमएस आएगा, आपको मैसेजेस आएंगे, नोटिफिकेशन आएगी, या इवन आप कैमरा को एज अ रिंग लाइट भी यूज कर सकते हो। जो आपकी ग्लिफ लाइटिंग होगी उनको आप इस तरह से यूज भी कर सकते हो। तो ये जो है नथिंग ने काफी एक यूनिक सी चीज लेकर आई हुई थी। इसी के साथ ही बैक में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि ड्यूरेबिलिटी को डेफिनेटली बढ़ाती है। और ये स्मार्टफोन जो है आईफोन लाइक फ्रेम्स के साथ आता है, तो जो कि अच्छी बात है, बॉक्सी सी फ्रेम्स हैं तो ये दिखने में अच्छा लगता है और कंफर्टेबिलिटी भी इस स्मार्टफोन में हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस फोन को हाथ में होल्ड करोगे तो ये फोन आपको ना ही ज्यादा हैवी लगेगा और कंफर्टेबल फील तो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के साथ आने वाली है। अब ये जो मेरे पास फोन है यहाँ पर मैंने लेमिनेशन करवाई हुई है, तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, थोड़े बहुत बबल हैं, लेकिन हाँ जो कंफर्टेबिलिटी है और जो इसकी ग्लिफ लाइटिंग है वो मुझे देखने में काफ़ी सही लगती है और जो इसका बैक का डिज़ाइन है वो डेफिनेटली एक अच्छी और यूनिक चीज़ अपने साथ लेकर आता है। फ्रंट में 6.55 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस ओलेड पैनल हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 1200 मैक्स ब्राइटनेस के साथ आता है, जो कि 1200 निट्स की ब्राइटनेस है। और अगर धूप में आप देखते हो तो जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है, ब्राइट है बिल्कुल। अगर हार्श सनलाइट भी आपके स्मार्टफोन पे पड़ रही होगी तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फ़ोन आपको जो कॉन्टेंट है वो काफ़ी अच्छी तरह से दिखाने वाला है। 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथनेस तो है, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन से कंपेयर करते हैं तो हर जगह आपको 120 हर्ट्ज़ ही मिलती है, वो थोड़ी सी कमी है, लेकिन जिस तरह का इसका सॉफ्टवेयर है, जिस तरह का यूआई है, तो उस हिसाब से 90 हर्ट्ज भी मुझे इसका काफी अच्छा लगा। तो जो देखने का एक्सपीरियंस है, कॉर्नर से आप इसके डिस्प्ले को देखोगे वो भी एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है, और जो कलर्स वगैरह हैं वो डेफिनेटली एक एमोलेड डिस्प्ले में जो एक्चुअल होते हैं वही इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगेन डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन अच्छा है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ भी ये स्मार्टफोन आता है, तो स्क्रैचेज वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस आपके डिस्प्ले पे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। इसी के साथ ही HDR 10 प्लस को भी ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है, तो जो HDR 10 प्लस का कॉन्टेंट है वो भी आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्मार्टफोन के यूआई सॉफ्टवेयर की, तो करंटली ये एंड्रॉइड 13 पे चल रहा है, लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 12 के साथ, और अभी एंड्रॉइड 14 का जो बीटा है वो भी नथिंग ने इस फोन के लिए लेकर आया हुआ है। अभी तक हमने अपने फोन में बीटा नहीं किया हुआ है, स्टेबल एंड्रॉइड 13 पे ही चल रहा है। अब इसको जो यूआई है गाइस काफी ज्यादा स्टैटिक हमें देखने को मिल जाता है, और जो एड्स हैं या आप कह लीजिए कि जो फालतू की ऐप्स होती हैं वो इसमें एक भी नहीं है, तो उस हिसाब से जो इसका यूआई है वो काफ़ी लाइटवेट बन जाता है। तो मैंने नोट किया है कि ये फ़ोन हैंग भी नहीं करता है, बहुत ना के बराबर ये स्मार्टफोन हैंग करता है। जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो उस टाइम एक नया ब्रांड था, नया यूआई अपने साथ लेकर आए हुए थे, तो उस टाइम हमें जो हैंगिंग के इश्यूज़ हैं वो देखने को मिल जाते थे, लेकिन अभी जो अपडेट्स आई हैं उनके साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है, पूरा यूआई हमें स्मूथनेस के साथ अभी देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट और हाइलाइटिंग पार्ट इस वीडियो में होने वाला है, बिकॉज जो ये 25,000 से 30,000 की रेंज है, इस टाइम आईक्यू जैसे जो ब्रांड्स हैं वो मार्केट में एंटर हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको लेकर दे रहे हैं, लाइक स्नैपड्रैगन 870 के साथ, 888 के साथ, या 8 Gen 1 भी हमें यहाँ पर इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है 30,000 से 31,000 की रेंज में। अब इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 7
G प्लस चिपसेट जो कि 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और यहाँ पर आपको 8 128GB वाला जो वेरिएंट है वो देखने को मिल जाएगा। अब जो स्पीड है UFS 3.1 की हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और जितना भी मैंने गाइस इस फ़ोन में ऐप्स को ओपन किया है, गेम्स को ओपन किया है, काफ़ी फास्ट तरीके से होती हैं, हल्का सा भी जिटर मुझे उनकी एनिमेशन में यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ये प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन अपने साथ लेकर आता है। हालांकि ज़्यादा गेमिंग मैंने इस स्मार्टफोन में नहीं की हुई है, लेकिन जितना भी मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया है ना के बराबर इसमें मुझे हीटिंग देखने को मिली है। हालांकि अगर आप हैवी गेम्स करते हो लंबे टाइम के लिए तो डेफिनेटली आपका फ़ोन हीट होने वाला है, बिकॉज ये कोई डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, अगर आप डे टू डे यूज़ में यूज़ करते हो, चाहे आपका हैवी यूजेस भी हो, बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स भी रखते हो, तो उस टाइम भी ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करके देने वाला है, जो कि अगेन एक अच्छी बात बन जाती है। बैटरी इस स्मार्टफोन में हमें 4500mAh की मिल जाती है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, और पूरा एक दिन आपका स्मार्टफोन चल जाएगा, यानी कि सुबह अगर 100% करते हो तो शाम तक हैवी यूजेज में भी आप इस स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो। रात को ही आपको इस स्मार्टफोन को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और 70 मिनट से लेकर 80 मिनट के बीच बीच में ये स्मार्टफोन जो है फुल चार्ज भी हो जाता है। लेकिन चार्जर आपको स्मार्टफोन के बॉक्स में नहीं मिलने वाला है, जो कि आपको अगेन डिफरेंटली परचेज करना पड़ेगा, सेपरेटली आपको परचेज करना पड़ेगा, जो कि नथिंग का 33W का चार्जर होता है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं अगर आप परचेज करना चाहो। लेकिन ये स्मार्टफोन बैटरी के मामले में भी अच्छा है, 4500mAh रिस्पेक्टेबल नंबर है और पूरा एक दिन निकाल कर दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अब इस स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन की, तो यहाँ पर बैक में 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, वो दूसरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब यहाँ पर जो फीचर्स हैं इसके कैमरा UI में कुछ ज़्यादा यूनिक देखने को नहीं मिलते हैं, लाइक अगर हम अदर ब्रांड से कंपेयर करते हैं, लेकिन बहुत ही यूज़फुल से फीचर हैं। लाइक आप देख सकते हैं स्लो मोशन का फीचर है, पोर्ट्रेट में जो शॉट्स हैं उनको आप कैप्चर कर सकते हो, या अगर मोर फीचर्स में भी आप चेक करते हो तो टाइम लैप्स जैसे जो हैं बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं है, लेकिन कुछ ही यूज़फुल फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बैक कैमरा की जो इमेजेस हैं वो आप यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हैं, मैंने शाम के समय में ये फ़ोटोज़ खींचे हुए हैं, और जितना भी मैंने नोट किया है कि इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो बेटर लाइटिंग कैप्चर कर पाता है, यानी कि अगर रात का भी समय है तो उस टाइम भी आपका स्मार्टफोन बेटर लाइटिंग कैप्चर कर सकता है। तो आप देख ही सकते हैं कि जो इमेज की वाइब्रेंस है या डायनेमिक रेंज है वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ज़्यादा टेक्निकल बता के आपको मैं कन्फ्यूज नहीं करूँगा, जस्ट सिंपल सा जान लीजिए कि जो इमेज है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे स्काई के शॉट्स हों, चाहे ह्यूमन के शॉट हों, चाहे फ्रंट कैमरा से शॉट लिए हों, या इसमें जो है पोर्ट्रेट शूट मैंने किया हो, तो काफ़ी अच्छी इमेजेस मुझे देखने को मिली हैं और लग रहा है कि ये जो है एक अच्छे कैमरा से फोटोज ली गई हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर थोड़ा सा डार्कर साइड एरिया भी है, यानी कि थोड़ा सा शाम के टाइम में भी मैं इमेजेस कैप्चर कर रहा हूं, तो जो लाइट है इसका कैमरा ज़्यादा कैप्चर करता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो इसकी इमेजेस हैं वो डल हैं। अब इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँगा, तो मैक्सिमम 4K 30fps ये बैक कैमरा से शूट कर पाता है, और अगर हम कंपटीशन से कंपेयर करें तो कंपटीशन में आपको 4K 60fps मिल जाता है, क्योंकि अगेन इसमें एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है। लाइक जो सैमसंग के कुछ फ़ोन्स हैं, ये जो गूगल का पिक्सल 6a भी है वो भी 4K 60fps रिकॉर्ड कर पाता है, जो कि अगेन एक नेक्स्ट लेवल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका मजा देता है। लेकिन जिस तरह की वीडियो क्वालिटी ये निकाल कर दे रहा है वो एक अच्छी है, हम कह सकते हैं कि एक अच्छे से स्मार्टफोन से हमने कैप्चर की हुई है। OIS इसमें परफेक्टली वर्क करता है, किसी भी तरह की जिटरनेस हमें देखने को नहीं मिलती है, लैग फ्री एक्सपीरियंस हमें वीडियो में देखने को मिलता है, वीडियो ना ज़्यादा हिलती है, और जिस वे में आप मूव करते हो उसी तरह से आपको आपकी जो वीडियो है वो भी मूव होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो वीडियो में भी डायनेमिक रेंज है या जो वाइब्रेंस है, कलर्स हैं, वो हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रंट में बात करते हैं तो यहां पर फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो कि अगेन डिसअपॉइंटमेंट के साथ ओनली फुल HD 30fps ही रिकॉर्ड करती है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई चीज़ नहीं करती है। हालांकि जो सेल्फी में इमेजेस हैं इसकी, ये जो सेल्फी की वीडियो है उसकी क्वालिटी नो डाउट हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी है उसको एटलीस्ट
फुल HD 60 FPS तो रखना चाहिए था ताकि जो एक अच्छा वाला एलिमेंट है वो ऐड हो जाए, बिकॉज आजकल बहुत सारे व्लॉगर्स भी हैं तो उनको एटलीस्ट फुल HD 60 FPS तो देना ही चाहिए था। लेकिन हाँ, जो क्वालिटी है वो हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। कैमरा के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इसके साथ पिक्सल 6a का मैं कंपैरिजन लेके आऊँगा उसके लिए डेफिनेटली आप वेट कीजिए, उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। लेकिन अभी के लिए एक बैलेंस्ड सा कैमरा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप परचेज कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे और बेटर चीज़ें लेना चाहते हो, इससे और बेटर कैमरा वाला फ़ोन लेना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना चाहिए। साथ ही 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है और 5 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट हमें स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस स्मार्टफोन के बारे में बता दी हुई हैं। अब गाइस, फाइनल जो वर्डिक्ट है वो क्या रहने वाला है? देखिए, बैक से ये डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी अच्छा लगता है। जो इसकी ग्लिफ लाइटिंग्स हैं वो हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आ रही हैं। इसके साथ ही परफॉर्मेंस देखोगे आप तो एक बैलेंस सा पैकेज है, जहां पर ये स्मार्टफोन ज़्यादा ना ही लैग करता है ना ही हैंग करता है। और जो गेम्स हैं वो भी डेफिनेटली हैवी गेम्स आप इसमें खेल सकते हो, लेकिन एक डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन नहीं है। कैमरा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बैलेंस्ड सा कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन वाले स्मार्टफोन्स हैं उनको ये टक्कर दे रहा है। लेकिन जैसे कि पिक्सल 6 है तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर मिल जाती हैं, लेकिन उसके अलावा ये स्मार्टफोन कम हीट करता है, अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आता है, डिस्प्ले भी एक अच्छी क्वालिटी की है और साथ ही जो इसका डिज़ाइन है, ओवरऑल लुक है, वो हमें एक अच्छा पैकेज बनाकर दे रहा है। तो अभी के लिए कहूँगा कि अगर आपका मन है तो परचेज कर लीजिए, आपको कोई भी रिग्रेट इस फ़ोन को लेकर नहीं होने वाला है, बिकॉज एक अच्छा एक्सपीरियंस ये स्मार्टफोन अपने साथ लेकर आता है और जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर आपको किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन चाहिए या पिक्सल 6a के साथ, तो इसका कंपैरिजन मैं लेकर आ ही रहा हूँ। लेकिन और भी अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एक बैलेंस सा स्मार्टफोन है, अगर आप ले लोगे तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है। बाकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर अगर आप चेकआउट करते हो तो डेफिनेटली हमें भी उसका थोड़ा सा फायदा मिल जाता है हमारे लिंक से परचेज करने के लिए। और सेल का सीजन आ गया है, बहुत सारी वीडियोस आपको आएंगी और गैलेक्सी M34 5G की अनबॉक्सिंग भी आपको 3-4 दिनों में देखने को मिल जाएगी। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।